कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग विच आर गिवेन एज फॉलोज H2O CO2 CH4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम H2O क्लिक करते हैं, तो मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू एक एटम का जितना AMU मास होता है वो एक हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम का होता है 1.008 AMU मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहां पर 2 एटम है हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16.02 प्लस 16, तो हमें कितना मिल गया यहां पर 2 इतना मिल गया। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में निकालना है मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 के लिए क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 होता है एटम एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का होता है 16, 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 2 का 16 में 32 इक्वल टू 4, तो CO2 का क्या आ गया मोलर मास ऑफ CO2 का, ये आ गया मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44। मास ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ CH4 इक्वल टू कार्बन का कितना होता है 12 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1.008 इंटू, यहां 4 एटम है हाइड्रोजन के इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे